रहमानी रहीम स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको बताऊंगी कि क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, टेबुलेशंस क्या होते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। ये चैप्टर है जिससे रिलेटेड हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड पढ़ा स्टूडेंट। ये जो बुक है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्रोग्राम स्टैटिस्टिक की बुक है। बहुत अच्छे इसमें नोट्स लिखे हुए हैं क्योंकि BSc एंड FSc का कोर्स आप कम्प्लीट कर चुके हो। अब आपको बुक ये बुक पढ़ाने का मकसद ये है कि जो आपके पास MCQs आ जाते हैं, जिस तरह आप इंटरव्यू के लिए किसी भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इंटरव्यू देने जा रहे हो या आप टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ये बेस्ट बुक है। इसमें आपके पास ओवरऑल मटेरियल जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है वो कवर हो जाता है। स्टूडेंट बुक भी मैं आपको शो करवा देती हूँ, देन मैं आपसे जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट करवाती हूँ। और आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगे और बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प जो है आप लोगों को मिल जाएगी। ये आपके पास बुक है और प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स की है जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, अग्रवाल वालों की है, लर्निंग सुहेल भट्टी की जो बुक है वो भी इसी तरह शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, MCQs हैं, और वो भी आपके लिए अगर आप इंटरव्यूज़ देना चाह रहे हो या आपके पास प्रोफेशनल स्टैटिस्टिक, लर्निंग स्टैटिस्टिक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपने किसी भी किस्म की तैयारी करनी है तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छे नोट्स लिखे हुए हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिलेगी। अब स्टूडेंट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कि हमारे पास क्या और उसको हमने कैसे फॉलो आउट करें। अब स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ मेंट बाय क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन हम बड़े अच्छे तरीके से BSc लेवल के, FSc लेवल के लिए पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि जब हमारे पास कोई भी डेटा गिवन होता है और हम उसको क्लासेस में डिवाइड करते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स में या ग्रुप्स एंड क्लासेस बना के डिवाइड कर रहे होते हैं, वो प्रोसेस हमारे पास क्लासिफिकेशन कहला रहा होता है। अब यहाँ उन्होंने बड़ी अच्छी और आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन दी गई है, वो कहते हैं कि क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस। तो स्टूडेंट यहाँ जो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन लिखी गई है वो हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय अरेंजिंग थिंग्स और आइटम्स इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस एंड गिव एक्सप्रेशन टू द यूनिट्स ऑफ एट्रीब्यूट दैट मे सब्सिस्ट अमंग्स द डिवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। स्टूडेंट सिंपली आप क्या कह सकते हो कि जब आप क्लासिफिकेशन का वर्ड यूज़ करते हो तो वो हमारे पास प्रोसेस होते हैं जिसमें हम ग्रुप्स एंड क्लासेस बनाते हैं और उन ग्रुप्स एंड क्लासेस में जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन सेम होती हैं, जो एक जैसी होती हैं, उनको उन ग्रुप्स या क्लासेस में हम ऐड कर देते होते हैं। ये प्रोसेस हमारे पास कहला रहा होता है क्लासिफिकेशन। आपके पास क्या होता है कि जो रिजेम्बलेंस रख रही होती हैं ऑब्जर्वेशन, जो एक जैसी होती हैं, सेम होती हैं, उसको सेम ग्रुप में डाल देते हैं जो हमारे पास डिफरेंट है। तो जो ग्रुप्स होते हैं वो आपकी ऑब्जर्वेशंस को क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि आपको पता चल जाता है कि ये ऑब्जर्वेशन इस ग्रुप से रिलेटेड है और ये इससे। तो वो आपके पास जो लार्ज डेटा होता है वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। तो क्लासिफिकेशन का मेन मकसद यही है कि आपके पास जब लार्ज ग्रुप ऑफ द डेटा हो आप उसको क्लासेस और ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो और वो उसका मकसद आपके पास क्या होता है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा जल्दी आपको समझ में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखो कहते हैं व्हाट आर द मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो डिफरेंट मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन हैं, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं लेकिन मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। इसमें एक जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। अब जियोग्राफिकल क्योंकि हमारे पास प्लेस से रिलेटेड होता है, एरिया से रिलेटेड और रीजन, कि अगर आपने क्लासिफिकेशंस करनी भी है, ग्रुप्स बनाने भी हैं, तो वो आप अकॉर्डिंग टू प्लेस, एरिया और रीजन बना रहे होते हो। क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है उसमें आपके पास टाइम इन्वॉल्व हो जाता है कि वहाँ आप क्या करते हो, टाइम को इन्वॉल्व कर देते हो। जब आप क्लासिफिकेशन करते हो वो अकॉर्डिंग टू टाइम कर रहे होते हो, जैसे कि मंथ, ईयरली आपके पास वो आ जाता है, जितना टाइम सीरीज़ आपने डिस्कस किया। तो टाइम सीरीज़ में हम टाइम को, अपनी जो वैल्यूज थी उनको टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देन हमारे पास आ जाते हैं कि क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव देखिए, जब भी डेटा की बात आती है तो डेटा को हम डिवाइड कर देते हैं टू टाइप्स में, एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है कि डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स। जब हम एट्रीब्यूट्स के लिहाज से अपने डेटा को डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि सेक्स, क्वालिफिकेशन, कलर, ये तमाम चीज़ें हमारे पास कहें क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और क्वालिटेटिव डेटा को हम एट्रीब्यूट्स भी कह रहे होते हैं कि जब हम डेटा को क्लासिफाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू क्लास एट्रीब्यूट्स, दैट इज़ कॉल्ड द क्वालिटेटिव डेटा।
या क्लासिफिकेशन। एंड क्वांटिटेटिव क्या होते हैं, वहाँ हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा आ रहा होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ रही होती हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे एज, इनकम, हाइट, वेट। कि जब आपके पास क्वांटिटेटिव जो आप न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो और उनको डिफरेंट क्लासेस में, ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे होते हो, तो वो क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव होता है कि अगर आप उसको एट्रीब्यूट्स में डिवाइड या क्लासिफाइड कर रहे होते हो। देन हमें कहते हैं कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने क्लासिफिकेशन का प्रोसेस तो पढ़ लिया, अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन का। तो हम कहते हैं ब्रॉडली देयर आर द सिक्स ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, टू प्रेजेंट द फैक्ट्स इन अ सिंपल मैनर। एक तो हमारे पास जब डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज होता है तो हमें अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो अगर हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में होगा, ग्रुप्स एंड क्लासेस में डिवाइड होगा, तो हम बड़े ही सिंपल मैनर में अपने डेटा को, अपने फैक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड हम कहते हैं कि टू हाईलाइट द आइटम विच पॉसेस और डू नॉट पॉसेस सर्टेन एट्रीब्यूट्स और क्वालिटी। हमारे पास हाईलाइट्स हो जाती हैं जो एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़ होती हैं, वो हमारे पास हाईलाइट्स आइटम्स जो हैं आ जाते हैं। और इसमें एक और अच्छी चीज़ होती है कि जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो जो आपके पास इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं वो आप पहले डिस्क्राइब कर रहे होते हो, और जो उनसे ज़रा लेस इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप बाद में कर रहे होते हो। तो यहाँ आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपके पास ज़रा पहले आ जाते हैं, तो ये आपके पास एक अच्छा फ़ायदा हो जाता है। देन थर्ड पे अगर हम जाएँ तो हम कहते हैं टू प्रोवाइड हेल्प इन मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन आइटम। कंपैरिजन करना आसान हो जाता है, कि हमारे पास कंपैरिजन जो है वो आसान हो जाता है। देन टू फाइंड आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन मेजर्स एंड देयर इफेक्ट। फिर हमारे पास क्या होता है कि हम म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन मेजर्स और देयर इफेक्ट, जिस चीज़ के या ऑब्जर्वेशन के बारे में हम क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमें जो है क्लियर हो जाता है। एंड टू प्रेजेंट द डेटा इन अ मैनर विच इज़ सूटेबल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। और हम इस तरीके से अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं कि वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमारे लिए सूटेबल हो जाए। एंड टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर टेबुलेशंस, एंड हम टेबुलेशंस आपके पास जो होते हैं कि आप टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो हमारे पास बेसिस हमें प्रोवाइड हो जाती हैं। जब डेटा आपके पास बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया होता है, शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है, आप उसको टेबुलेशन मिलाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपने क्लासिफाइड डेटा कर लिया होता है। क्वेश्चन नंबर फोर आपके पास आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन आपको पहले भी बता गए, जिसमें एट्रीब्यूट्स या क्वालिटी जो होता है उसको क्लासेस या ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट। डेटा को जब भी आप डिवाइड करते हो वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में डिवाइड होता है। क्वालिटेटिव आपके पास होता है जब आप क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहे होते हो, और क्वांटिटेटिव होता है जब आप न्यूमेरिकल फैक्ट्स ले रहे होते हो। तो ये हमारे पास आ जाते हैं इन दोनों में डिफरेंस। देन क्वेश्चन नंबर फाइव है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास आ जाती हैं कि क्लासिफिकेशन एक तो अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, सिंपल और टू फोल्डेड और डाइचोटॉमिक क्लासिफिकेशन। जब आप टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, तो वो टू फोल्डेड और डाइचोटॉमिक कहलाते हैं। मल्टीपल क्लासिफिकेशन होती है कि जब आपके पास जो ग्रुप्स बनते हैं या कैटेगरीज बनती हैं वो मोर देन टू होती हैं। एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होती हैं, जब आप क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वेरिएट वैल्यूज़ कर रहे होते हो, डिफरेंट वैल्यूज़ के ज़रिए कर रहे होते हो। तो ये स्टूडेंट आपके पास फाइव क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब इसे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।